सोलन में कोरोना के संकट काल में हर व्यक्ति हर वर्ग इससे प्रभावित है, लेकिन कुछ वर्ग जैसे जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, आनंद कॉम्प्लेक्स के दुकानदार, ऑटो चालक ऐसे हैं जो ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि उनके घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे उनका भरण पोषण होगा, क्योंकि जो व्यवसाय चल रहे थे उसे चलाने की अनुमति सरकार अभी नहीं दे पाई है और ना ही अनुमति मिली है, जिसके चलते उनके माथे पर बड़ी चिंता की लकीरें और गहराती जा रही हैं। जब बाजार में दुकानें खुलने लगी थी तो आशा की जा रही थी कि और व्यापारियों की तरह उनके व्यवसाय को भी खोलने का मौका मिलेगा, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने उन्हें व्यवसाय चलाने की हरी झंडी नहीं दी। ऐसे में उनका क्या होगा, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है। इस मौके पर शहरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उनकी पैरवी करते हुए कहा कि ऑटो चालकों और आनंद कॉम्प्लेक्स के दुकानदार, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून चालकों के लिए प्रशासन से वे मुलाकात करके आए हैं और उनकी मनोव्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसे पीड़ित वर्गों के लिए जिनका व्यवसाय बिल्कुल बंद हो चुका है, आर्थिक मदद दी जा रही है। अगर प्रदेश सरकार भी उनकी मदद करता है तो ये अच्छी बात है और उनकी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा सोलन बाजार को विभिन्न प्रकार से अलग अलग दिनों पर खोलने की परमिशन है, पर आनंद कॉम्प्लेक्स सोलन की जब बात आती है तो वो कई दिनों से बंद है और वहाँ भी कई व्यापारी हैं। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने पूरे बाजार के लिए नियम बनाया है, उसी तरह से कुछ ना सेटिंग करके आनंद कॉम्प्लेक्स के लिए भी एक दिन में एक ही बिल्डिंग खोलें, उसमें भी आप जो हैं दो दुकानों के बाद एक खोलें, कोई भी नियम बना के उनको भी कुछ ना कुछ दुकानदारों को राहत दें, क्योंकि वो कोई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के साथ, हम एल एंड टे मॉल जैसे मॉल्स के साथ आनंद कॉम्प्लेक्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वहाँ बड़े व्यापारी हैं, वहाँ भी हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं। और साथ ही साथ हमारी एक और रिक्वेस्ट जो है प्रशासन से आज हम करेंगे कि देखिए, दुकानें भी थोड़ी थोड़ी खुली रही हैं, फैक्ट्रियों में भी मजदूरों को थोड़ा थोड़ा काम चलने लग गया है और बाकी काम भी हो रहे हैं, पर जो हमारे सोलन के ऑटो चालक हैं वो बड़े, जब से लॉकडाउन हुआ है वो तब से घर बैठे हैं और 1 रुपये की आमदनी भी जो है वो ऑटो वालों को कहीं से नहीं हो रही है। तो हमारा प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा, सरकार से अनुरोध रहेगा कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ के भी जितने भी ऑटो वाले हैं उनको जो है कोई आर्थिक मदद जो है उनके बैंक अकाउंट्स में सीधी की जाए, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा भी नहीं है, 400-500 से ज़्यादा ऑटो वाले हमारे शहर में नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी मदद भी इस समय प्रशासन को ज़रूर करनी चाहिए। ऑटो चालक हमारे संपर्क में आए हैं, उन्होंने हमें ऑटो चलाने की परमिशन के बारे में बात करी थी, पर चलाना अभी जो है वो संभव नहीं है क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल है, क्योंकि अगर ऑटो एक ही सवारी बिठा के जाएगा तो वो कमा नहीं पाएगा, और अगर वो इकट्ठी बिठाएगा तो उससे हमारी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ख़राब होगी। तो इस समय ऑटो को चलाना तो मुश्किल है, पर हाँ, उन्हें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका जो कार्य है वो लगभग बिल्कुल ठप पड़ा है।